गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अन्य ब्लॉग। मिसेस प्रिया सकार सो रेडी हो चुकी हूँ, सुबह हो चुकी है। अगले ब्लॉग में वाइट ड्रेस में नहीं डाल दूँगी। और ये मम्मी मेरी, चलो टाइम हो गया। बज रहे सुबह के 7:15, चाय लेके मैं रेडी हूँ एंड टेंशन में भी मरे जा रही हूँ, क्या लिख के आएगी औलाद बोल के। करवाया तो सब कुछ है तो ना, आज धूप निकली है बाहर, फुल गर्मी लग रही है, नहाया जैसे नहीं लग रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा है ब्लॉग शूट करने का, पता नहीं कितना देर करूँगी मैं, मुझे नहीं पता। तो हितिका ने स्टार्ट कर दिया था तो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज सुबह उसको पुलाव बना दिया था, वाइट पुलाव, तो खा के तो नहीं गई है, लेके गई है। उसको उतना पसंद नहीं है या फिर है, आई डोंट नो। बोल रही है ये मेरा फेवरेट है, लेकिन तो बोल रही है मेरा फेवरेट है लेकिन भूख नहीं है। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम का टेंशन हो, हम भी एग्ज़ाम दिए हैं तो ना, तो हमें भी पता है कैसा लगता है, तो कुछ वो भी रीज़न हो सकता है। तो फिलहाल तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो कल जैसे कि आप लोगों ने देखा, हितिका के लिए जॉगर्स मंगाया था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, ना ही साइज़ उसका परफेक्ट है। तो आज ये मेरे लिए आया है जो कि बहुत ही अमेजिंग आया है। यहाँ पर हो रही खिचड़ी की तैयारी। खिचड़ी में रहा आलू, परवल, बरबटी एंड मखना और क्या, हाँ बैंगन, वो बाल में क्योंकि वो जल्दी पक जाता है ना, इनको पहले पका लेंगे उसके बाद। हितिका के साथ साथ मैंने अपने लिए भी जॉगर्स मंगवाए थे। तो हितिका का तो अच्छा नहीं है एंड देखिए मेरा कितना ब्यूटीफुल आया है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा एंड परफेक्टली फिट आया है। हितिका का कल जो आया था एकदम लो क्वालिटी का था एंड उसको फिट नहीं आया, वो तो अलग ही बात है। तो मैं उम्मीद कर रही थी एक साइज छोटा आ जाए तो हितिका को हो जाएगा, बट नहीं आया, ये मुझे ही परफेक्ट आ रहा है। तब देखते हैं मैडम आगे क्या बोलती है, अगर बोलेगी तो सेम इसी का छोटा साइज मंगवा दूंगी मैं एंड बहुत ही अमेजिंग आया है। तो ये देखिए खिचड़ी चढ़ा दी है, तो हमारी हितिका मैडम पधार रही है। मैंने गाड़ी का आवाज़ सुन लिया, अभी देखते हैं कौन है। देख रहे हो उसका स्टाइल, इतना इजी एग्जाम का, पता है जो टीचर बोली थी ना मम्मी ये आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, पता है इतना इजी शेड देख लो। ये पेपर बहुत इजी था, बहुत अच्छा करके आई है, ये सारा करवाया था उसको। अब देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। तो यहाँ से हो गया नेक्स्ट डे स्टार्ट। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। ये कल के कपड़े मैंने फोल्ड नहीं किए हुआ कि मैं आपको बाद में बताऊँ। तो अभी बज रहा है 7 एंड जस्ट मैंने पूजा वूजा कर ली है क्योंकि बहुत पानी गिर रहा था एंड बहुत ज़ोर से ट्रांसफार्मर में आवाज़ हुआ, तो मैं बोली क्या हो गया बोल के, तो फिर पता चल रहा है कि देवो बोले ट्रांसफार्मर उड़ गया। इधर मैडम सो रहे हैं, तो अभी ट्रांसफार्मर नहीं मतलब डीओ उड़ गया शायद, या फिर जो भी हो बोले, तो बहुत ज़ोर से आवाज़ दिया। तो फिर फटाफट उठ के झाड़ू वाड़ू करके फिर फटाफट से नहा ले हूँ। तो पानी तो अभी कम हो गया है, बाकी गिर ही रहा है बोले। तो चले अब चाय वाय पीते हैं। एंड कल क्या हुआ ना, मतलब कल हितिका 1 बजे आ गई, शनिवार को हाफ डे रहता है तो जल्दी आ गई, तो हम लोग मतलब खा पी लिए 1:30 बजे तक, 2 बजे तक फोन वोन टीवी भी देखे, फिर लेटे लेटे नींद लग गई, वो भी सो गई, मैं भी सो गई, उसके पापा भी। और उस बीच दोनों के फोन में इतना फोन आया है बोलिए, देवू के और मेरे, कुछ पता नहीं, दोनों फोन मैडम के पास। उसका नींद तो और नहीं टूटा, ऐसा हो गया। फिर 5 बजे उठे हैं हम लोग, 5 बजे उठ के, और क्या मैं ब्लॉग बनाती बताया, तो मैं बोली हटाओ। तो चलिए अभी तो चाय चढ़ा देती हूँ। और बोल रहे हैं चाउमीन के लिए बोल के गए हैं, ऐसे मौसम में लाइट नहीं, पानी नहीं, पानी भी खत्म, मैं नहाते नहाते पानी खत्म, देख ले कैसे करते हैं। तो मेरी चाय भी रेडी है, मेरी शक्ल देखने लग, ओम करने बैठी थी फिर मोबाइल देखने लगी, क्योंकि हितिका के लिए एक और कुछ मंगाना है ना, तो वही देख रही थी। तो इतना में चाय भी बन गई है एंड पूरा सीन का पार्ट है, देखिए इधर एक बंदा नहीं दिख रहा है लग रहा है मैं अकेले ही उठी हूँ, सब अंदर अंदर होंगे, बारिश में करेंगे भी क्या बात। चलिए चाय वाय पिया जाए। एंड ट्रांसफार्मर में बहुत जोर से आग लग गई है, बहुत जोरों का बजा भी, बाहर से जो आदमी लोग जा रहे थे बारिश में खेल के आते थे, तो वो आके बोल रहे आग लग गया लेकिन फिर बुझ भी गया, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही है। तो हे गाइस, ट्रांसफार्मर स्वाहा हो गया बोलिया, सुबह जो 6 बजे जला उसके बाद अभी पप्पू भाई आए थे बनाने, तो पतला तार वार क्या क्या बोल रहे थे, तो उसे जोड़ना था तो जोड़े तो आधा ऐसे किया फिर हो गया था, अब नया लगेगा बोल रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा। बिना लाइट के होगा कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही बोले, तो देखते हैं। मैं भैया को बोलेंगे तो एक दिन में आने वाला नहीं है, कब तक आएगा। हो गया, बहुत गर्मी लग रही है, बारिश भी बंद हो गई। देव को फ़ोन करके बोल रही हूँ कि चाउमीन नहीं बनाऊंगी ना, थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, बर्तन भांडे भी धोने रहते हैं ज़्यादा हो जाते, तो चाउमीन बनाने के लिए क्या पानी लगता है, मतलब बनाओ। और इधर तो बैठी है मैडम जी पहले से, हैं मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा ना दे रहे में। संडे है तो चिकन बन रहा है बोले, उसके बाद और कुछ छूट ही नहीं किया। पापा भाई आए जनरेटर चलाया तो फिर फटाफट पानी है कि फिर देबू आ गए, उतने में चिकन ले आए, तो फिर इधर इन लोग के लिए मैगी बनाई, चिकन विकन वॉश किया, इधर उधर में लगी थी मुझे। फिर कपड़े भी धोए, आज हाथ से धोना पड़ा क्योंकि लाइट नहीं आएगा तो मशीन मैंने कहा इसीलिए। फिर अभी चिकन बन रहा है बोले, फिर पानी आया जैसे फटाफट सारे कपड़े खाली कांच के रखे थे कपड़े, फिर पानी में डुबो के बाहर में डाले, मतलब बहुत काम था, बहुत बिजी थी मैं। इतने में पूरा मुझे गर्मी लग गया ना, अभी मन कर रहा है नहा लूँ बट कोई मतलब नहीं है नहाने का। बोलेगा इनका कल एग्जाम में, देखिए कितना शांति से बैठे हैं, सुबह थोड़ी देर पढ़ ली है, हो गए थोड़ी देर बाद हाँ 1-2 बजे पढ़ते हैं, उतने टाइम पापा आ जाएंगे मोबाइल लेके पढ़ जाओगे, 1-2 बजे पढ़ोगे।